हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को नमस्कार सभी का वेलकम इस क्लास में यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कल के लिए कन्फर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हुआ प्लीज कन्फर्म योर ऑडियो वीडियो ओके इट्स एक्सेसिबल टू यू तो कर दीजिए कन्फर्म सो दैट वी स्टार्ट द डिस्कशन क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के ऊपर डिस्कशन आज का हमारा सेशन इंडिपेंडेंट भी है और प्रीवियस सेशन के साथ ये रिलेटेड भी है क्योंकि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं सिक्योरिटीज एंड चार्जेस सिक्योरिटीज एंड चार्जेस हमारे जनरल बैंकिंग टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर के लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जनरल बैंकिंग हमारा बेस्ड है आरबीआई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर और इंडियन लॉ के ऊपर और ये सेशन सभी बैंकों के अंदर सभी स्केल्स के लिए यानी ऑल बैंकर्स के लिए ये इक्वली यूजफुल है यानी किसी भी स्केल में आप हों तो ये आपके लिए यूजफुल सेशन है तो चलिए शुरू करते हैं इसको सो इट इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन तो अब हम इंडिविजुअल चार्जेस को डिस्कस करेंगे उनके फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स सो लास्ट सेशन अगर आपने वॉच नहीं किया वीडियो तो उसको जरूर वॉच कर लेना तो वहां पे हमने ये जो चार्जेस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में उनकी समरी में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए पहले हम बात कर रहे हैं प्लेज की प्लेज से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है वो कहाँ पे है क्वेश्चन अक्सर पूछा जा चुका है प्लेज so, से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन उसका जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक। के so, नोट कर लेंगे सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे प्लेज को डिफाइन किया गया कि प्लेज क्या होता है और उससे रिलेटेड आगे कई सेक्शंस हैं तो जिनमें प्लेज के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है अब प्लेज को डिफाइन कैसे किया गया उसको नोट कर लेते हैं सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेज सो प्लेज का डेफिनेशन प्लेज इज बेलमेंट बेलमेंट मींस डिलीवरी किसकी गुड्स की किसके द्वारा बेलर के द्वारा बेलर कौन है बॉरर किसको बेली को बेली कौन है बैंक किस पर्पज के लिए टू सिक्योर द लोन लोन को सिक्योर करने के लिए So, अगर बोरअर अपना गोल्ड बैंक को हैंड ओवर करता है डिलीवर करता है बेल करता है और लोन को सिक्योर करने के लिए बेल करता है तो फिर ये क्या कहलवाएगा बेलमेंट नहीं ये प्लेज कहलवाएगा अगर ये सिंपल डिलीवरी है तो फिर ये बेलमेंट है लेकिन अगर ये डिलीवरी लोन को सिक्योर करने के लिए की गई है तो फिर ये प्लेज बन जाएगा ये दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो सिंपल डिलीवरी इट इज बेलमेंट बट डिलीवरी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग ए लोन इट इज अ प्लेज तो ये प्लेज बन जाएगा प्लेज के अंदर बोरर को हम कहेंगे बेलर सो इनकेस ऑफ प्लेज बोरर इज कॉल्ड बेलर लेकिन टेक्निकली लॉ के अंदर अगर स्ट्रिक्टली डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो फिर हम उसको पॉनर कहते हैं सो so जो हमारा बॉरर है प्लेज के अंदर वो क्या है पॉनर है वो बेलर इस वजह से बिकॉज वो डिलीवरी दे रहा है गुड्स की सिक्योरिटी की डिलीवरी वो बैंक को कर रहे इसीलिए हम उसको बेलर कहते थे लेकिन प्रेफरेंस हमने देनी है पोनर को और प्लेज के अंदर बैंक को हम क्या कहते हैं हाँ बोरर को हम प्लेजर भी बोल देते हैं और बैंक को हम क्या कहेंगे बैंक को हम कहेंगे बेली बेली इज द पर्सन हु इज रिसीविंग दोज गुड्स टेक्निकली हम इसको पोनी कहेंगे प्रेफरेबली पोनी कहा जाएगा उसी को हम प्लेजी कहते हैं तो जो बेस्ट आंसर बनेगा वो पॉनर और पॉनी बनेगा स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अदरवाइज प्लेजी भी आंसर सही है प्लेजर भी सही है बेली भी सही है बेलर भी सही है नो प्लेज के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी ओनरशिप और उसका पोजेशन सो so, सिक्योरिटीज की जो ओनरशिप है प्लेज के अंदर सो ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरर लेकिन पोजेशन गोज टू द बैंक जैसे गोल्ड लोन के केस में है गोल्ड लोन के केस में गोल्ड बोरर को ही ओन करना रहता है लेकिन पोजेशन हमारे पास आ जाता है तो ये प्लेज में इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनरशिप विद बोरर एंड पोजेशन विद द बैंक इफ पोजेशन इज विद एजेंट ऑफ द बैंक अगर पोजेशन बैंक के एजेंट के पास हो तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेज तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्लेज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है वेन पोजेशन इज नॉट विद द बैंक जैसे गोल्ड लोन के अंदर पोजेशन बैंक के पास होता है लेकिन अगर ये पोटैटो प्रोड्यूस के अगेंस्ट है जो वेयर हाउस में रखा हुआ है अगर पोटैटो को वेयर हाउस में रखा जाए तो पोजेशन बैंक के पास नहीं होता तो वेयर हाउस कीपर जो है वो बैंक के एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेज यानी जो भी हम लोन देते हैं वेयरहाउसर रिसीट्स के अगेंस्ट उसमें भी प्लेज रहता है लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव प्लेज कहलवाएगा तो एक है एक्चुअल प्लेज लाइक इन केस ऑफ गोल्ड लोन और एक है कंस्ट्रक्टिव प्लेज लाइक दैट इन केस ऑफ वेयर हाउसर सीट्स तो श्योर जो एक्चुअल प्लेज है कंस्ट्रक्टिव प्लेज है इनमें जो डिस्टिंक्शन है वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा नौ प्लेज के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है लॉस टू गुड्स वेन इन बैंक अगर गुड्स बैंक के पोजेशन में प्लेज में तो बैंक के पोजेशन में ही रहती हैं। अगर उस समय गुड्स को लॉस हो जाए तो लाइबिलिटी किसकी राइज होगी दैट इज द क्वेश्चन लॉस ऑफ गुड्स वेन इन बैंक पोजेशन तो बियर द लॉस लॉस किसको को बियर करना पड़ेगा यस yes, लॉस कौन बियर करेगा सो so, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर व्हेन बैंक हैंडल द गुड्स केयरफुली बैंक विल नॉट बी लायबल। अगर बैंक ने गुड्स केयरफुली हैंडल की हो वो सारे प्रिकॉशंस लिए हो जो कोई भी ओनर लेता है अपने गुड्स का अगर बैंक ने वो प्रिकॉशंस लिए हों तो बैंक विल नॉट बी लाइबल फॉर द डैमेज फॉर द लॉस एट द सेम टाइम अगर बैंक नेग्लिजेंट था बैंक ने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए जो प्रिकॉशन उसको लेने चाहिए तो इन दैट केस बैंक शेल बी लाइबल तो उस केस में बैंक लायबल बन जाएगा तो लॉस ऑफ गुड्स लाइबिलिटी के बारे में आंसर सीधा नहीं बनेगा कि बैंक लाइबल हो जाएगा आंसर डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर हैंडल्ड केयरफुली बैंक नॉट लाइबल हैंडल्ड नेग्लिजेंटली बैंक इज लायबल चलिए इसमें अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं गवर्नमेंट नोटिस फॉर पोजेशन इफ देर इज नोटिस फ्रॉम द गवर्मेंट कि इसका पोजेशन हमें दे दीजिए क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हमने अपना ड्यूज अपना टैक्स रिकवर करना है तो उस केस में व्हाट विल बी पोजीशन तो इफ गवर्नमेंट सेंड्स नोटिस डिमांडिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स टू रिकवर गवर्नमेंट ड्यूज तो उस केस में जो रिकवरी की प्रायोरिटी रहेगी वो बैंक लोन की ही रहेगी तो सिंपली क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूज गवर्नमेंट ने रिकवर करने हैं उससे हम पोजेशन हैंड ओवर नहीं करेंगे प्रायोरिटी बैंक लोन की ही बनी रहेगी सो बैंक लोन रिकवरी विल हैव प्रायोरिटी ये बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लगातार पूछे जाते हैं तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर अगर सरप्लस बचता है कुछ तो सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल है सिक्योरिटी को हम बेच देते हैं और अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो गवर्नमेंट ड्यूस की रिकवरी के लिए उसे सरप्लस को यूज किया जा सकता है लेकिन जब तक बैंक का लोन रिकवर नहीं होता अगेंस्ट प्लेज गुड्स तो पहले लोन हमारा रिकवर होगा सरप्लस है तो दैट कैन बी यूज फॉर बैंक लोन इफ लोन इज पेड गुड्स विल बी रिटर्न टू द बोर इमीजिएटली तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है जहां एक तरफ हमारा राइट right है दूसरी तरफ हमारी ऑब्लिगेशन है सो so, अगर लोन का रिपेमेंट हो चुका है तो वी आर सपोज टू रिटर्न द गुड्स इमीजिएटली टू द बोरर विदाउट वेटिंग पीरियड डिफॉल्ट इन रिपेमेंट बाय बॉरर अगर बॉरर प्लेज के अंदर डिफॉल्ट है हमने एक रिपेमेंट पीरियड फिक्स किया बाय दैट डेट बोरर उस लोन को रिपे नहीं करता बाई दैट ड्यू डेट तो उसने डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट के केस में बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन हैं तो डिफॉल्ट के केस में बैंक यूज करेगा अपनी पावर्स अंडर सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इस सेक्शन में बैंक की क्या पावर्स हैं बैंक कैन सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग रीजनेबल पीरियड नोटिस विदाउट फाइलिंग द सूट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है रीजनेबल पीरियड का नोटिस देना होगा तो कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है यहां पे। सिचुएशन के मुताबिक पीरियड चेंज हो जाएगा इसलिए रीजनेबल पीरियड का नोटिस देना होगा सो so गुड्स को बैंक सेल कर सकता है

अगर शॉर्ट फॉल होता है रिकवरी के अंदर तो गोल्ड जब हमने लोन दिया था उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी तो लोन हमने ज्यादा दे दिया डिफॉल्ट किया बॉरर ने तो उस केस में गोल्ड की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है तो हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही तो उस केस में अमाउंट कैन बी रिकवर्ड पर्सनली फ्रॉम द बार से पर्सनली हम रिकवर कर सकते हैं और यहां पे हमें सूट फाइल करना होगा और सूट फाइल करने के लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल है तीन साल का इसमें लिमिटेशन पीरियड तीन साल का है सो तीन साल के अंदर हमें सूट फाइल करना होगा तीन साल कब से जब उसने डिफॉल्ट किया और हमने उसको नोटिस दिया हमारे नोटिस की डेट के अंदर सो so नोटिस के अंदर हमने उसको बताया होगा कि आप इतने पीरियड में पे कर दीजिए तो उस पीरियड की एक्सपायरी से ये तीन साल का पीरियड शुरू होता है नौ इवन टाइम बार्ड लोन्स ऐसे लोन्स जो टाइम बार्ड हो चुके हैं सो टाइम बार्ड कौन से लोन होते हैं टाइम बार्ड हम लोन को कहते हैं जिनमें लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जाता है तीन साल का पीरियड अगर एक्सपायर कर जाए किसी नॉर्मल लोन के अंदर तो हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं लेकिन प्लेज वाले लोन को हम इवन टाइम लोन की रिकवरी भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है हमने सिक्योरिटी को सेल करना है और लोन को रिकवर कर लेना है इसीलिए जो टाइम बार्ड का प्रिंसिपल है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं बनता लेकिन अगर पर्सनली हमने रिकवर करना है बॉरर से तो फिर हमें लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट सूट फाइल करना होगा तो सिक्योरिटी को सेल करना है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है बॉर्डर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो तीन साल के अंदर हमें सूट फाइल करना होगा ये दोनों बातें अलग अलग हैं और हमें दोनों बातों का ध्यान रखना होगा सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नॉ प्लेज बाई ए कंपनी अगर कंपनी प्लेज करती है तो यह किसी दूसरे बॉर्डर के द्वारा नहीं कंपनी के द्वारा यह प्लेज है तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आर के पास करवानी होगी तो कंपनीज एक्ट टू से पहले प्लेज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी लेकिन कंपनीज एक्ट टू तो ये प्लेज को एग्जैप्ट नहीं करता है तो प्लेज के केस में भी चार रजिस्ट्रेशन इज इस मैंडेटरी तो प्लेज के बाद अब हम चलेंगे हाइपोथिकेशन के ऊपर आई एम श्योर प्लेज से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस किया आपने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यू हैव अंडरस्टुड प्लेज प्रॉपरली आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है प्लेज को वीडियो के कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में नहीं जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो वहां पे टाइप कर दीजिए दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली अब हम चलेंगे को सो so, हाइपोथिकेशन को जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है अंडर सेक्शन टू सरफेसी एक्ट सरफेसी एक्ट 2002 का एक्ट है तो इस एक्ट की सेक्शन जो नंबर टू है वहां पे हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कहां हाइपोटिकेशन है नौ पोथिकेशन इसके मुताबिक क्या होता है सो हाइपोथिकेशन इज ए चार्ज ऑन मूवेबल एसेट्स विदाउट पोजेशन इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हाइपोथिकेशन क्या है एक चार्ज है और किसके ऊपर मूवेबल एसेट्स के ऊपर ये चार्ज है ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं बिना पोजेशन के ये चार्ज है यानी हाइपोटिकेशन में पोजेशन बैंक को नहीं मिलता है किसकी फेवर में सिक्योर्ड क्रेडिटर की फेवर में है यानी बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाता है इसमें हाइपोथिकेशन के अंदर हाइपोथिकेशन के अंदर ओनरशिप एंड पोजेशन बोथ रिमेन विदर दोनों ही बोरर के पास रहते हैं जी में पोजीशन हमने डिफरेंट नोट की थी तो वहां पे ओनरशिप बोरर पोजीशन बैंक लेकिन यहां पे दोनों ही बोरर के पास रहता है और ये पोजीशन बोरर के पास एज ए ट्रस्टी फॉर द बैंक रहता है एज ए ट्रस्टी फॉर द बैंक सो पोजेशन विद बोरर इज एज ए ट्रस्टी फॉर द बैंक सो यहां पर बैंक के लिए वो ट्रस्टी का काम कर रहा होता है बैंक इज कॉल्ड हाइपोथिकेटी एंड बोरर इज कॉल्ड हाइपोथिकेटर सो हाइपोथिकेशन के अंदर बैंक को हम कहेंगे हाईपोथिकेटी बोरर को कहेंगे हाईपोथिकेटर हाइपोथिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है हाइपोथिकेशन को हम किस तरह का चार्ज कहते हैं को हम चार्ज कहते हैं बेस्ड ऑन इक्विटी बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस क्योंकि हाइपोथिकेशन में ना तो हमारे पास ओनरशिप है ना तो हम ओनर हैं और ना ही हमारे पास पोजेशन है तो इन दोनों के चलते हाइपोथिकेशन को हम कहते हैं इक्विटेबल चार्ज जो इक्विटी के ऊपर बेस्ड है नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड है लेकिन हाइपोथिकेशन में बैंक के पास राइट right कौन सा अवेलेबल रहता है बैंक के पास राइट right अवेलेबल रहता है टू डिमांड पोजेशन तो जब भी बैंक को लगता है कि पोजेशन बैंक को चाहिए तो बैंक कैन सेंड नोटिस टू द बोरर टू हैव द पोजेशन तो जब भी डिफॉल्ट करता है बॉरर तो बैंक कैन सेंड दिस नोटिस फॉर पोजेशन ये राइट बैंक के पास अवेलेबल है एंड वेन दिस नोटिस इज गिवन सो देर कुड बी टू सिचुएशन अगर नोटिस दिया जाता है पोजेशन के लिए तो दो सिचुएशन अराइज होंगी सो वन सिचुएशन इफ पोजेशन इज गिवन तो अगर पोजेशन दे देता है बोरर बैंक को इन <coughs> दैट केस हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन नहीं रहता हाइपोथिकेशन कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू प्लेज सो so, हाइपोथिकेशन बिकम्स प्लेज और बैंक हाइपोथिकेटी ना रहके बैंक बन जाता है प्लेजी और अगर हम रिकॉल करें अगर बैंक पलेजी है तो बैंक के पास सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह पावर है टू सेल विदाउट फाइलिंग सूट आफ्टर गिविंग रीजनेबल पीरियड नोटिस तो जब ये प्लेजी बन गया तो फिर प्लेज वाले राइट हमें अवेलेबल हो जाएंगे आई होप दिस पार्ट इज क्लियर तो हम प्लेजी कब बनेंगे हेपोथिकिटी से अगर पोजेशन हमें दे दिया जाए तो इसी का ऑल्टरनेटिव पार्ट भी देख लेते हैं सो एज ए प्लेजी बैंक एंड सेल द सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आफ्टर गिविंग नोटिस तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तो बैंक को प्लेजी की पावर मिलेंगी सेक्शन 176 के मुताबिक वो सिक्योरिटी को बगैर कोर्ट सूट फाइल किए बेच सकता है अब पोजेशन अगर नहीं मिलता है तो पोजिशन क्या होगी ऑन डिमांड इफ पोजेशन इज नॉट गिवन अगर पोजेशन नहीं मिलता है इन दैट केस बैंक को क्या करना होगा बैंक विल फाइल सूट इन ए कोर्ट तो बैंक कोर्ट में सूट फाइल करेगा और वो भी लिमिटेशन पीरियड के दौरान तो लिमिटेशन पीरियड के ड्यूरिंग ओनली सूट फाइल किया जा सकता है किसके लिए सेल ऑफ सिक्योरिटी के लिए और वो भी किन केसेस में जो केसेस सरफेसी एक्ट में कवर नहीं होते सो जो केसेस सरफेसी एक्ट में कवर होते हैं वहां पे एक डिफरेंट प्रोसीजर है लेकिन जो केसेस सरफेसी एक्ट में कवर नहीं होते तो वहां पे इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा सूट फाइल करेंगे लिमिटेशन पीरियड के दौरान और रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को कि हमें सेल करने की परमिशन दे दी जाए तो इसमें हमारे ये दोनों ही पार्ट कवर हो गए तो अगर पोजेशन दे दिया जाए तो क्या पोजिशन है पोजेशन नहीं दिया जाए तो क्या पोजिशन है तो हम श्योर आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सो so जैसा मैंने कहा इफ सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट विल बी फॉलोड तो वहां पे अपना एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो हम एनपी पोर्शन में अलग से डिस्कस कर चुके होंगे या करेंगे आगे जा करके लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग लिमिटेशन पीरियड तो ये तो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं कि जो लीगल एक्शन हमने करना है कोर्ट में सूट फाइल करना है, तो वो लिमिटेशन पीरियड के दौरान ही करना होगा अगर हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करती है कोई कंपनी तो फिर एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी है सो शन क्रिएटेड बाई द कंपनी तो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी क्या है सो चार्ज विल बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन ए पीरियड ऑफ थर्टी डेज तीस दिन के पीरियड में चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आर ओ सी के पास तो so, ये एडिशनल फॉर्मेलिटी है इनकेस ऑफ हैपोथिकेशन सो so, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्री लाइव क्लास जिसको आप इस समय ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग यूर स्कोर आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए इसको क्लास को मिस मत करें बट इज़ इट एनफ टू पास द एग्जाम नो इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्जाम क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है जिसमें आपके इंटरनल सर्कुल्स भी और जनरल बैंकिंग भी है लाइव क्लास में हम जनरल बैंकिंग को ही केवल डिस्कस करते हैं इंटरनल सर्कुल आपको अपने लेवल के ऊपर कंप्लीट करने होते हैं इवन जनरल बैंक में हम क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है इसलिए हम इसमें बहुत थोड़े पोर्शन को कवर कर पाते हैं और बेटर स्कोरिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए यू शैन यू यू शुड यूज़ आवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइज वीडियो लेसन हमारे वीडियो लेसन को यूज़ करें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे आरबी की नोटिफिकेशन कम से कम एक साल की आपको जरूर करनी है और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको जरूर करनी है जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो तो चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं अब जो हमने डिस्कस किया उसको रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं चलो चेक करते हैं कि आप कितना उसको ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट लीगल प्रोविजंस गवर्न कंसेप्ट ऑफ प्लेज प्लेज के कंसेप्ट को जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कहां पे हैं ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं तो देखिए कौन सी हमारी ऑप्शन इसमें मोर अप्रोप्रेट है सो लीगल प्रोविजन विच गवर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज तो वो कहां पे अवेलेबल है सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182 या सेक्शन 190। फ्रेंड जो डेफिनेशन पार्ट है तो वो यहां पे रूल होता है और इसके अलावा हमारे कई और सेक्शन है 173, 74, 75, 76 तो वहां पे भी हमारे राइट्स हैं तो हम वर्चुअली कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों आंसर सही हैं। तो आंसर इसमें बी दिया है लेकिन हम ये दोनों आंसर को सही मान के चलेंगे बिकॉज ये भी लीगल प्रोविजन हैं, ये भी कंसेप्ट ऑफ प्लेज को एप्लीकेबल बनते हैं इन प्लेज हु इज रेफर टू एज ए बेली वेन सिक्योरिंग ए बैंक लोन सो प्लेज के अंदर बेली हम किसको कहेंगे पोनर को कहेंगे बेली को कहेंगे प्लेजी को कहेंगे या पोनी को कहेंगे तो बेली किसको कहा जाएगा तो ये तो कुछ नहीं है ये तो उसको रिपीट कर दे ये तो आउट हो जाता है तो बेली हम पलेजी को भी कहेंगे बेली हम पौनी को भी कहेंगे तो ये दोनों ही हमारे बेली हैं पलेजी अगर आंसर दिया तो वो अपने आप में गलत नहीं है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा सी एंड डी का तो पेपर के अंदर आपको बिल्कुल सर्टेंटी के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पे हम ऑल लिबर्टीज ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन सके तो जैसे यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन इन केस ऑफ प्लेज ए लोन तो प्लेज के अंदर ओनरशिप एंड पोजेशन में रिलेशनशिप क्या है बोथ ओनरशिप एंड पोजेशन बैंक के पास है ओनरशिप विद बॉरर है पोजेशन विद बैंक है ओनरशिप विद बोरर है ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों ही बैंक के पास है चलिए अब इसको करेक्ट कर दिया गया है ओनरशिप एंड पोजेशन विद बोरर है ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों बैंक के एजेंट के पास है इनमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए सो so, प्लेज के अंदर ओनरशिप इज विद द बोरर एंड पोजेशन इज विद द बैंक उसकी लाइट में सो ऑप्शन बी बिकम्स अवर आंसर तो ये हमारा आंसर बन जाता है इफ पोजेशन ऑफ गुड्स इन प्लेज इज विद एजेंट ऑफ द बैंक तो हम उसको क्या कहेंगे सो so, प्लेज के केस में अगर पोजेशन बैंक के पास ना होकर के बैंक के एजेंट के पास है तो उसको क्या कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्लेज कहेंगे एक्सप्रेस प्लेज कहेंगे इंप्लाइड प्लेज कहेंगे या स्टेचुटरी प्लेज कहेंगे सो वट टाइप ऑफ प्लेज इट विल बी नोन एज फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेज तो इसकी एग्जाम्पल भी मैंने दी थी आपको तो कौन सी एग्जाम्पल दी थी गेंस्ट वेयर हाउस रिसीड्स तो वो कंस्ट्रक्टिव प्लेज का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना हम उसको वहीं पे आंसर करेंगे अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है तो यहां पर आप मेल कर देंगे और हम आपको टेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करके जाना लेकिन अगर वो यूजफुल लगा तो फिर लाइक like करने में संकोच ना करें आपका लाइक like करना सजेशन है यूट्यूब को कि आप इस सेशन को और लोगों को दिखाइए उनको भी बेनिफिट मिलेगा और यूट्यूब फिर उसके लिए हेल्प करता है दूसरे स्टूडेंट्स की तो आपका लाइक like करना केवल लाइक करना नहीं है तो ये दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प के बराबर बन जाता है इसके अलावा इसके लिंक को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने किसी भी और सोशल मीडिया अकाउंट में ताकि आपके फ्रेंड्स आपके कुलीग्स इस सेशन का बेनिफिट ले सकें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है तो हमारे नोटिफिकेशन आपको डिले से मिल रहे होंगे या बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी पुश करें फ्रेंड इस सेशन की इस टॉपिक के ऊपर जो फर्दर डिस्कशन है ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं या बाकी एस्पेक्ट हैं उनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे तो अभी इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू